देखिए गांधी गांधी विद्यालय में राहुल गांधी यहाँ बूथ का निरीक्षण करने आए थे और बूथ का निरीक्षण करके जा रहे हैं। इसके पहले जब वो दिल्ली से आए थे तो हनुमान जी के मंदिर में उन्होंने पूजन अर्चन किया था और अब बूथ का निरीक्षण कर रहे हैं। यानी ऐसे ऐसे तकरीबन 51 बूथ ऐसे हैं जिसको पूरे दिन उनको निरीक्षण करना है। एक जो उम्मीदवार होता है, जो कंटेस्ट करता है इलेक्शन, उसको आखिरी दिन यानी मतदान के दिन लोगों को अपने पक्ष में बूथ तक पहुंचने की जो मैनेजमेंट है उसका भी एक तरह से निरीक्षण करना होता है कि उनके लोग हर बूथ पर पहुंचे कि नहीं, उनके लोग हर जगह गए कि नहीं। देखिए सेल्फी ले रहे हैं इस समय जो लोग यहाँ पर आए हैं उनके साथ सेल्फी ले रहे हैं राहुल गांधी। तो इस तरह से पूरा दिन राहुल गांधी का रहने वाला है। देखिए वापस आ रहे हैं गाड़ी में अपने, और राहुल गांधी कांग्रेस के उम्मीदवार रायबरेली से वो इस वक्त तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहे हैं। भीड़ है उनके पीछे और मीडिया की भीड़ ज़्यादा है, कार्यकर्ता भी हैं जो पीछे की गाड़ियाँ हैं, चूँकि बहुत सारी गाड़ियाँ लेके एक साथ वो नहीं चल सकते हैं चुनाव आयोग के दिशा निर्देश के मुताबिक, इसलिए वो आज सारे बूथों पर पहुँच जाना चाहते हैं और बूथों का निरीक्षण पूरा कर लेना चाहते हैं। इस वक्त राहुल गांधी देखे यहाँ से निकल गए अगले बूथ के लिए। जी आगे आगे बिल्कुल, तो तस्वीरें अरुण हम तक पहुंचा रहे हैं। राहुल गांधी जैसा कि अरुण जानकारी दे रहे थे तमाम बूथों का निरीक्षण करेंगे और एक बूथ से दूसरे बूथ की तरफ वो इस वक्त निकल चुके हैं, तस्वीरें वहां से मिल रही हैं। और देखिए हमारे सहयोगी अरुण ने ही एक्सक्लूसिव बातचीत यहां पर राहुल गांधी के साथ जब की थी तो राहुल गांधी ने कहा था कि किस तरह से उनकी स्ट्रेटजी और इंडिया गठबंधन जो है वो सरकार बनाएगी और पीएम मोदी यहाँ दोबारा से प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, ये आत्मविश्वास जरूर राहुल गांधी का सामने आया था अरुण से जो बातचीत यहाँ पर हुई थी। और एक बार फिर से अरुण बातचीत की पूरी कोशिश भी यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी भी जानते हैं कि कांटे की टक्कर इस बार है और साख किस तरह से दांव पर लगी हुई है सोनिया गांधी की रायबरेली सीट। लेकिन अरुण आपके पास एक बार फिर से रुख करेंगे, पूरी बातचीत पहले हुई थी और आज किस तरह का आत्मविश्वास राहुल गांधी के अंदर दिखाई दे रहा है? देखिए तस्वीरें मैं दिखाता हूँ, राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी का बूथ मैनेजमेंट जो होता है उस बूथ पर राहुल गांधी यहाँ पहुँचे हैं। इस वक्त देखिए तस्वीरों में राहुल गांधी अपने कार्यकर्ताओं से यहाँ मुलाकात कर रहे हैं, लोग सेल्फी ले रहे हैं। और ये बूथ मैनेजमेंट होता है कि जो लोग पर्चियाँ बांटते हैं, जो लोग उम्मीदवारों के पक्ष में लोगों को मतदान करने के लिए प्रेरित करते हैं, जो उनके वोटर होते हैं। देखिए यहाँ पर राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं और एक जगह है जहाँ पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता राहुल गांधी वहाँ बैठ रहे हैं। देखिए जा करके वहाँ पे बैठ रहे हैं कार्यकर्ताओं के बीच, देखिए। और दूसरी तरफ देखिए ये कांग्रेस बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं यहाँ पर जो कांग्रेस के जो समर्थक हैं बीजेपी के समर्थकों के बीच, देखिए यहाँ पर थोड़ी बहुत ऐसी स्थिति पिछली बार भी होती है, जो बीजेपी के लोग हैं राहुल गांधी वापस जाओ के नारे लगा रहे हैं। आप लोग क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं राहुल गांधी वापस जाए? राहुल गांधी दो चार लोग ऐसे कुछ बोल तो नहीं रहे, बस नारे लगा रहे हैं और राहुल गांधी की मुखालफत में नारे लगा रहे हैं। देखिए राहुल गांधी का काफिला निकल चुका है और थोड़ा आगे आगे थोड़ा आगे थोड़ा बढ़ाइए, हम लोग उनके पीछे अगले बूथ की तरफ बढ़ रहे हैं। आपको मैं तस्वीरें दिखाता रहूँगा लगातार राहुल गांधी को लेकर के, जो यहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनसे जब मुलाकात वो करने आ रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता देखिए यहाँ पर हैं जो ये कह रहे हैं राहुल गांधी वापस जाओ, इस तरह की नारेबाजी कर रहे हो। जिस दिन उनका नामांकन था, अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो नामांकन वाले दिन भी जिस रास्ते से वो जा रहे थे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार नारेबाजी कर रहे थे उनकी गाड़ी के पीछे और उनके गाड़ी के साथ साथ वो चल रहे थे, कई जगहों पर नारेबाजी हुई थी। तो अब मैं आपको आगे लेके चलूँगा जहाँ पर राहुल गांधी का अगला पड़ाव है, यानी अगले बूथ जहाँ पर वो निरीक्षण करने जा रहे हैं। ये पहला बूथ था गांधी विद्यालय का बछरावा के पास और अब राहुल गांधी जा रहे हैं दूसरे बूथ में। देखिए उनके जो काफिले की गाड़ियां हैं वो निकल रही हैं लगातार और जो सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं वो उनके कारकेड को पूरा सिक्योर करने के बाद ही अब हम लोगों के साथ उनका रास्ता हो पाएगा या तस्वीरें मिल पाएंगी। ये देखिए आगे जो कारकेड है उनके सिक्योरिटी का वो पहले निकल जाए, उसके बाद हम लोग भी उनके साथ जाएंगे। तो अगले बूथ पर जब पहुँच, देखिए इस तरह की जब वो आते हैं रायबरेली या अमेठी आते हैं तो इस तरह के जो दृश्य हैं कि वो कहीं भी रुक जाते हैं, अपने जो समर्थक हैं उनसे मिलते हैं, कोई सेल्फी लेता है, कहीं पूजा करते हैं, तो इस तरह के दृश्य आपको दिन भर दिखने वाले हैं।